भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अच्छा है, बंबई में काम पुणे से ज्यादा आसानी से मिल जाता है, रोज कुछ ना कुछ मिल जाता है, जीवन अच्छा चलने लगा है। क्या हुआ पूरन? माफ कर दो हमें, हमने बहुत सोचा और पाया कि जिंदगी में जब साथ ही रहना है तो क्यों लड़ना और झगड़ना। हाँ, और काहे को एक दूसरे से चिढ़ना है? सही कहा पूरन, माफ कर दो हमें। देखो पूरन, पुरानी बातें सब भूल जाओ और हमसे नई दोस्ती कर लो। हाँ, भीम ही कहता है कि अच्छे लोग कई बार टूटकर भी जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाओ हमसे और कर लो हमसे दोस्ती। हाँ, अब बन जाओ हमारे दोस्त। हाँ पूरन, बन जाओ हमारे दोस्त। चलो चलो ठीक है, फिर चाल की जगह ठेके पे चला था और चल के बढ़िया दारू पिया था हम लोग। हैं? अरे नहीं नहीं, पीते नहीं हो क्या? पीता हूँ लेकिन। अरे लेकिन लेकिन छोड़ो, साथ में दारू पीते हैं, दोस्ती पक्की तब साथ में दारू पियो जब। अरे नहीं नहीं, मैं दोस्त नहीं मानते हो क्या? मानते हो ना? तो चलो चलो आओ मैं पूरन पी पा के फिर चाल से साजिश के तहत बाहर निकाल दिए जाओगे। अब फिर देखत है राम जी, रमा, शोभा, दीपक सब कैसे तुम्हें बचावत है और कैसे तुम्हार ऊ भीम राव तुम्हें बचावत है। सर ये लीजिए। आप भीमराव रुको, आज तनख्वाह का दिन है, ये लो। धन्यवाद सर। शिशुपाल जी, सेठ जी ये लो एडवांस, गृहस्थी बसाने में काम आएंगे। नहीं सेठ जी, कैसे न कैसे करके हो जाएगा। अरे रख लो। जब तुम पहली बार आई थी इस ऑफिस में तो लड़ाई करने आई थी और बहस भी हुई थी मुझसे, लेकिन धीरे धीरे काम करने लगी। बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये लो इस महीने की तनख्वाह। और अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा कर दूंगा। धन्यवाद। जाओ। लक्ष्मी तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे, क्योंकि तुमने कई बार मेरे ना रहने पर मेरा भी काम किया है। धन्यवाद साहब। जाओ। आओ करुणा। करुणा तुम्हें कम पैसे दिए गए हैं,
क्यों? क्योंकि तुम मेरे ना रहने पर मन से काम नहीं करती हो, हमेशा बहानेबाजी है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा मन से काम करती हूँ। झूठ। वैसे अच्छा ही किया कि तुमने कम काम किया, इससे ये फायदा हुआ कि तुम्हारे पैसे काटकर लक्ष्मी को दे पाया। गलत किया साहब आपने। अच्छा रोमा, तुम बताओ इसने काम चोरी की या नहीं? तुम बहुत आदर्शवादी बातें करती हो, बताओ कि ये काम चोरी करती है या नहीं? और अगर कह दोगे कि नहीं तो पूरे पैसे दे देंगे। लेकिन सच बताओ। क्या कर रही है? ये काम के समय आप सोने जाएंगी? अरे तुझे वो मैनेजर यहाँ देखने का काम देकर चला जाता है तो क्या मैं तुझसे डर कर काम करूंगी यहाँ? मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं जाकर सो कर आती हूँ थोड़ा। हाँ करती है काम चोरी। तुम्हें तो बहुत आदर्शवाद है, ये देखकर अच्छा लगा। जाओ कल समय पर आना काम पे, कल मालिक आने वाले हैं। बस जो चाहते थे उसमें कामयाबी मिल गई। अब जाओ तीनों, जेठानी देवरानी और घर में करो नाटक। जाओ भीम, फिर कल मिलते हैं। रुकिए, एक काम रह गया। क्या? ये रख लीजिए शिशुपाल जी, आपके काम आएंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है, आप अपना घर बसा रहे हैं ना। नया घर बसाने में बहुत पैसे लगते हैं, मुझे अनुभव है। और वैसे भी अभी हम एक साथ काम करने वाले हैं तो मदद करना बनता भी है। लीजिए। देखिए मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, फिर भी आप पिलाएंगे ना पानी? जी जी, ये भी आपके समाज का है क्या? नहीं, ये आप ही के समाज के हैं। शुक्र है, धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। क्या हुआ शिशुपाल जी? एक हमारे बिरादरी के लोग हैं जो तुम्हें पानी तक नहीं पिलाते, और तुम हो कि अपनी तनख्वाह में से पैसे निकाल कर दे रहे हो। इतना मत सोचिए, और रोने जैसे क्या बात है इसमें। लीजिए पैसे, रखिए। मैं कह रहा हूं ना, रख लीजिए। मेरे लोगों की ओर से मैं माफी मांगता हूं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हट
बेकाय राजा प्रजा जो ही रुझे सिस दे ही ले जाए सिस दे ही ले जाए। सुनिए सुनिए कहाँ हैं आप सुनिए। अरे क्या हुआ और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे अब रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? मुझे नहीं रहना रमा और लक्ष्मी के साथ। क्यों? अब क्या किया उन दोनों ने? हाँ करुणा बता क्या किया उन दोनों ने? सब मिलकर साजिश करते हैं। वो मैनेजर पहले से ही लक्ष्मी पर मेहरबान था और अब वो रमा भी उस मैनेजर के साथ मिल गई है और सबने मिलकर मेरे पैसे काट लिए और जो पैसे काटे गए हैं वही पैसे तनख्वाह में बढ़ाकर लक्ष्मी को दिए गए हैं। क्या झूठ? दीदी झूठ बोल रही है। ये काम चोरी करती है इसलिए इनके पैसे काटे गए हैं। अच्छा तुझे किसी ने अपने पति की कसम दी थी कहने को जो तूने कह दिया कि मैं काम चोरी करती हूँ? और लक्ष्मी जब तुझे पता है कि मुझे तुझसे चिढ़ है तो फिर जब वो मैनेजर तुझे अपना काम देकर चला जाता है तो फिर क्यों नहीं कहती उनसे कि वो अपना काम किसी और को दे दे? दीदी ये कैसा सवाल है? और दीदी आपने जो सबके सामने लक्ष्मी दीदी को थप्पड़ मारा उसका क्या? दीदी आपकी खीज इतनी बढ़ गई है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब कहा क्या करती है। लेकिन मुझे अभी सब समझ में आ रहा है, सब समझ आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे बंटवारा चाहिए। करुणा कैसी बातें कर रही हो? बंटवारा करके मैंने देख लिया है, बंटवारा सबसे बुरी चीज है। बंटवारा अच्छी चीज है। बंटवारा अच्छी चीज है, मैं मानता हूं और उसका समर्थन भी करता हूं। भीम? ये कैसी बातें कर रहा है? मैं सही कह रहा हूं रमा, मैं बंटवारे का समर्थन करता हूं मगर किसी जरूरतमंद को अपने पैसे बांट बांट कर देने का बंटवारा, किसी बेसहारा को सहारा देने का बंटवारा। बाट बाट करे तो संसार चलता है और ऐसे ही चलना भी चाहिए। मगर करुणा भाभी रिश्तों को कभी बांटना नहीं चाहिए। अपने घर के अंदर जो थोड़ी सी जमीन होती है उसे नहीं बांटना चाहिए। घर की जमीन में थोड़ा सा प्रेम और विश्वास डाल देते हैं तो बहुत सारी खुशहाली फैलती है। अगर वो जमीन बटी ना हो तो इसलिए मत बांटिए भाभी। इससे पहले भी इस घर में बंटवारा हुआ था। आज मैंने एक फैसला लिया है।
रमा, आज से इस हिस्से में तुम रहोगे, अपना खाना अलग बनाओगे और हम सब लोग इस हिस्से में रहेंगे। तब सारे रिश्ते बीमार पड़ गए थे। रिश्ते अगर स्वस्थ हो तो कितनी भी गरीबी, कितनी भी मुसीबतें, परेशानियां हम आसानी से झेल सकते हैं। इसलिए मत बांटिए भाभी। अच्छा ये ठीक है, भीम की बीवी वहां कारखाने में तमाशा करती है और रॉब तो ऐसे झाड़ती है जैसे यही सब कुछ है और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और यहाँ जब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, बात कर रही हूँ, तब भीम सामने आकर विनती कर रहा है। लेकिन भीम, जब रहना ही नहीं है साथ में तो क्या करें? ठीक है, नहीं रहना है ना तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरा और रमा का सामान उठाकर इस घर के बाहर फेंक दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप अपना सामान उठाकर यहां से चले जाएंगे, लेकिन बाटिए मत। क्योंकि घर छोड़कर जाना बंटवारा होने से अच्छा ही होगा। चलो रमा, करुणा भाभी हमारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देंगी तो हम अपना सामान उठाकर यहां से चले जाएंगे। चलो। मेरा भी सामान उठाकर बाहर फेंक दीजिए, मैं भी चली जाऊंगी। मुझे किसी के भी साथ। निकलो सब, कब की ख्वाहिश पूरी हो गई? सुनाई नहीं दे रहा है आपको? उठाकर फेंकिए सबका सामान। मेरा भी सामान फेंक दो, बस यही दिन देखने को बचा था। मेरा भी सामान उठाकर बाहर फेंक दे, नहीं रहना अब यहां। सुनिए, सबका सामान उठाकर फेंक दीजिए बाहर। पागल हो गई हो करुणा? बाबा और बुआ का सामान उठाकर फेंक दूं? जानबूझकर किया उन्होंने ऐसा ताकि भीम, रमा और लक्ष्मी का सामान ना फेंका जाए। अगर ये सब पहले से समझती हो तो मत करो ना ये सब तमाशा। और अगर इतना ही है ना तो हम दोनों घर छोड़कर चले जाते। ये क्यों चली जाएगी? घर की बड़ी बहू है ये, घर पे सबसे पहला हक इसी का है, ये कहीं नहीं जाएगी। जब पति ही मेरी भावनाओं को तमाशा कहेगा तो क्या करूं? तो
अच्छा हो रहा है। इस घर के लायक जो चाहिए वही हो रहा है।